हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्वागत करते हैं आपका एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। आज का वीडियो होने वाला है वाटर कैंप, जो हम लोगों ने, हमारे और हमारे टीम मेंबर्स ने यूनिवर्सिटी के बीच में लगाया है। आज क्लासेस का एंट्रेंस है, जो अभी शाम को होने वाला है 4 बजे से, तो इसलिए हम लोगों ने 2 बजे से तैयारी कर लिया है लगाने का। हम पहुँचते हैं अपने टीम मेंबर्स के पास और क्या, फिर वहाँ सबको इंट्रोडक्शन कराते हैं सबका। हम लोगों ने लोकेशन चूज किया है डक पॉइंट के पास, सामने ही परमिशन मिला है हम लोग को और हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे और सभी मेंबर्स बैठे हुए हैं। अभी मिलते हैं सभी मेंबर्स से, पूछते हैं कैसा रहा। और भीड़ तो अभी जमने स्टार्ट हो गया है, व्यू देखें, और धूप तो बहुत तेज है। और ये हमारा कैंप स्टूडेंट एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है सेवा। और हम ही सभी मेंबर्स लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। और वाटर कैंप भी बस है, जो बस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, साइड में फिल्टर पानी लगाया गया है, रात में पानी बटेगा और लोगों का मदद किया जाएगा, उनको डायरेक्शन किया जाएगा कौन सा उनका फैकल्टी है, उनको उस रास्ते में भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है और हमारा कैंप भी तैयार है, जो सबकी मदद करने के लिए रेडी है। سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم وش نجاري और ये हमारा कैंप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। लोग आ रहे हैं सब मदद कर पूछने और हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं उन लोग को। और हमारे कमांडर बड़े भाई दोस्तों, उसी का एंट्रेंस है, यहाँ पे बहुत भीड़ होता है इस समय, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनके साथ गार्जियन उनके रहते हैं। अब गार्जियन में उनके दोनों पेरेंट हो जाते हैं, माँ और अम्मा और अब्बा, दोनों लोग। बहुत भीड़ है लेकिन थोड़ा सा काम कर रहे हैं इसी में जम के। अभी हम कुछ अपने मेम्बरान से मिलवाएंगे और उनसे बात करवाएंगे कि एनजीओ के बारे में, और एनजीओ के बारे में कुछ डिफिनेशन से देखा डिफाइन करते हैं पूरा, क्या है क्या नहीं है, कैसे ये कब का है, कितना पुराना है। और कुछ हमारे मेंबर्स भी पुराने हैं, जुटे हुए हैं, हम भी पुराने ही हैं लेकिन मुझे इतने एक्टिव नहीं रहे इस एनजीओ में, लेकिन अब इस साल से है पूरा फुल पावर में। मेम्बर लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था, गर्म धूप है, डिस्कस कर रहे हैं, देखिए डिस्कस हो रहा है। दोस्तों शाम ढलने वाली है और अब बच्चे सब एग्जाम देने गए हैं, अभी कुछ देर और कैंप रुकेगा 6 बजे तक, उसके बाद कैंप भी उखाड़ा जाएगा और चला जाएगा। कुछ मेमोरीज है जो बीच में ही फ़ोटो में लगा देंगे। और बढ़िया था सब, भीड़ भड़क्का था, लोगों ने मदद की, लोगों ने अपना इच्छा जताई कि बढ़िया था। और जो हमारा एनजीओ है सेवा नाम से, वो क्लास कोचिंग भी कराती है एमयू एंट्रेंस के, एमयू जामिया बीएचयू सीयूटी अब नया आया है, उसके लिए एग्ज़ाम भी कराती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ये एमयू के स्टूडेंट ही लोग कराते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग भी, और सिलेक्शन भी बहुत बेहतरीन दिया गया। आप पंपलेट लगा देंगे उसको देख लीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। और हम
बीच जो हमारे एक CPI के MLA हैं बिहार के, वो हम लोग इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा कैंप लगाए हैं तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो आए मुलाकात करने और वो अपनी बात कुछ कहेंगे। क्या बात है, जो है उसके बारे में हम अपने विधायक जी को कुछ बताएंगे। ये संस्था जो है विधायक जी 2018 से चल रही है और जो है कि ये एजुकेशन के लिए जो माइनॉरिटी है और लोग सभी से काम करने आ रहे हैं, और जो है कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह जो है कि बच्चों के लिए कराती रहती है, और उसी के साथ साथ जो है कि एंट्रेंस की तैयारी कराती है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मदनपुर है कि ने NGO को तारीफ किया और कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, आप लोग उनकी दुआ है हमारे साथ और काफ़ी लोगों की दुआ है, इंशाल्लाह बेहतर होगा हम लोग के लिए। अभी अब दोस्तों अब टाइम हो गया है अब चलने का, तो अब लोग कैंप को हटाया जाए अब यहाँ से। अब अगला कैंप क्लास 9 का जब इंट्रेंस होगा 19 तारीख को तब लगेगा। बहुत बढ़िया था, लोगों की दुआई थी, दादा लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है इनसे, बस वोकल टाइट कर रहे हैं। काम कंप्लीट, जो हमारे NGO है सेवा, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनसे हम कुछ बातें कराएंगे। और फोल्डिंग काम हमारे कामरान भाई कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से, और सब कैंप से लगाने के लिए हम लोग को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जो प्रोक्टर ऑफिस पे जाके जमा करें वो परमिशन देगा, और मात्र 2 बार ही लगा सकते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। ये हमारे जिप्पू भाई हैं जो बहुत बूढ़े हैं, और दोस्तों प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ और सभी मेंबर्स बढ़िया खूब मेहनत करके काम करें काम किए हैं, और ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में और लाइक भी कर दें। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगा जो क्लिक हुआ है फ़ोटो वहाँ का कुछ, और कुछ एस्थेटिक पोज में फ़ोटो आएगी जो रील्स वील्स अपलोड होगा, और ऐसे ही प्रोग्राम होगा MU में जब तब तक मैं अपलोड करता रहूँगा बना बना के।